इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी डेट की लाखों जरूरतमंद की शराब रविवार को नष्ट कर दी। प्रशासन ने लगभग 35,50,000 रुपए कीमत की शराब को बुलडोजर चलवाकर नष्ट कर दिया। प्रशासन के मुताबिक हाई रेंज विदेशी शराब की 375 पेटियां नष्ट की गई है। देखिए रिपोर्ट। जिला प्रशासन का बुलडोजर इस बार किसी गुंडे बदमाश के ठिकाने पर नहीं बल्कि एक्सपायर हो चुकी विदेशी शराब की बोतलों पर चला। दरअसल आबकारी विभाग ने बीते कुछ सालों में अलग अलग कार्रवाई में 45,50,000 रुपए से ज्यादा की हाई रेंज शराब जब्त की थी। इसके प्रकरण भी चले। अब नियम अनुसार एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद सालों पुरानी इस शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। विदेशी मदिरा भंडागार परिसर आसरावत बुजुर्ग पर कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी के समक्ष हाई रेंज विदेशी मदिरा नष्ट की गई। इसमें टीचर्स स्कॉच, टीचर्स हाईलैंड स्कॉच विस्की, टैमरॉन ब्रांड विस्की सहित अन्य ब्रांड की शराब की 375 पेटियों पर बुलडोजर चलाया गया। नष्टीकरण की कार्रवाई ADM राजेश राठौर और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अक्षय सिंह मरगाम SDM की मौजूदगी में हुई। जो कार्रवाई के दौरान जो शराब हम लोग जब्त करते हैं उसमें काफ़ी हाई कॉस्ट की और इवन फॉरेन लिकर भी रहती है, तो ऐसी लगभग 375 हमारी जो फॉरेन लिकर थी, 375 पेटियाँ जिनकी कीमत लगभग 35,50,000 रुपये होंगी, वो आज जो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार समिति बनाई गई थी उनके सामने निष्पक्षता से उसको नष्टीकरण किया गया और पूरे कार्रवाई की वीडियोग्राफी। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग के सहायक जिला आबकारी अधिकारी BK वर्मा, दिलीप कुमार खंडाले, आबकारी उप निरीक्षक मनोहर खरे एवं कंपनी प्रतिनिधियों के तौर पर सुनील कुमार रघुवंशी, मिथिलेश दांगी और निखिल त्रिपाठी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।